हाँ रुक गया, बोलने लगा मैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों ये है आयशा वाटर पंप, वाटर पंप की चुरंगी, वाटर पंप का ब्रिज। तो यहाँ से जो है ना रोड कारपेटिंग का अमल शुरू हुआ है। आप पहले ये देखें कि रोड कारपेटिंग से पहले जो है ना जब नाला बना है उसके ऊपर देखो कितने मोटे मोटे से पाइप डाले हैं ताकि जो है ना पानी, बारिश का पानी वो जो है ना यहाँ पर रोड पर ना ठहरे। काफ़ी मोटे पाइप डालकर जो है ना यहाँ पर ये बनाया गया है नाला, नाला के बाद जो है ना ये पाइप डाले गए हैं ताकि जो है ना रोड बारिश से भरे ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि रोड कारपेटिंग हो रही है तो वहाँ पर कैसी, ये देखें सारे पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है रोड कारपेटिंग की। पिछले दिनों जो है ना वो डला था बाइंडर, अब जिसके इसके ऊपर जो है ना वायरिंग का काम जारी है, मशीनें लगी हुई हैं, एस्फाल्ट डल रहा है। ये देखें प्यारा तक जो है ना ये रोड बन रहा है। ये दस्तगीर की चुरंगी है मेरे ख्याल से यहाँ। ये देखें एस्फाल्ट के ट्रक खड़े हैं, ये पता नहीं क्या बम लेके घूम रहा है। अच्छा ये इंजन है, ट्रैक्टर का इंजन है ये। तो ये सारा रोड कारपेट होगा, ये जो नुक्स निकल आए ना ये बाइंडर के बाद, बाइंडर के बाद जो ये नुक्स निकल आए हैं ये सारे ख़त्म होंगे, क्योंकि ये बाइंडर डलता है तो उसके बाद जो है ना 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जो है ना जो नुक्स हैं वो निकल आएँ, फिर उसके बाद वेयरिंग हो। वेयरिंग का अमल शुरू है और ये यहाँ तक जो है ना बनेगा, आगे कैफे प्याला तक बनेगा शायद ना, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ तक बनेगा क्योंकि आगे फिर ट्रैफिक भी जो है ना परेशान करती है। ये छोटी सी एक अपडेट थी, कैफे प्याला तक चलते हैं फिर करते हैं वीडियो का एंड। 3, 2, 1 और ये सिग्नल खुल गया। एक और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये देखें नाले के पास जो है ना ये बड़े बड़े पाइप लगे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े से पाइप, ये पानी ना ठहरे बारिश का, उस वजह से जो है ना ये बड़े बड़े ये नाले को बनाकर नाले को बंद कर दिया गया है और पाइप डाल दिए गए हैं ताकि जो है ना ये रोड यहाँ तक बनेगा। आगे ये सारी बाइंडर हुआ है, ये आ गया कैफे प्याले दोस्तों। ये आ गया कैफे प्याला और इसके बाद जो है ना सरीना मार्केट तक चलते हैं, वहाँ भी जो है ना रोड का काम हो रहा है, वहाँ पे भी रोड कारपेटिंग का अमल जारी है, देखते हैं वहाँ पर क्या काम हो रहा है।
मशहूर हैं ये दोनों कैफे प्याले। ये आगे पीपल चरंगी, अब ये पीपल चरंगी से सरीना मार्केट तक रोड कारपेटिंग का अमल यहां भी जारी है। ये यहां से स्टार्ट होगा रोड, यहां से और ये जाएगा सरीना मार्केट तक। देखिए कितना मट्टी और मट्टी हो रहा है, हम लोग आप लोगों को जो है ना मट्टी मट्टी के अंदर घूम के दिखाते हैं, आप लोग घर बैठ के माशाल्लाह से हमें जो है ना पसंद करते हो, देखते हो, तो हम लोग आपकी खातिर जो है ना मट्टी धूल मट्टी में जो है ना घूम रहे होते हैं आपको दिखाने के लिए कि क्या काम हो रहा है कराची में, तरक्याती कामों की सूरत हाल बताते हैं। अभी मैं जो है ना क्या नाम है उसका हेलमेट का शीशा नीचे कर लूँ क्योंकि बहुत मट्टी उड़ रही है, आँखों में भी पड़ रही है। तो ये कच्चा सा रोड है जिसके ऊपर जो है ना काम का आगाज़ किया गया है, इसके ऊपर जो है ना पानी का छिड़काव होगा, छिड़काव के बाद जो है ना फिर दोबारा इसके ऊपर रूलर फिरेगा, गेड़ा वेड़ा डल चुका है इसके अंदर जो मट्टी थी, लेकिन अभी एक और भी जो है ना इसके ऊपर लेयर डलेगी मट्टी की, फिर इसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा, फिर उसके बाद जो है ना एस्फॉल्ट डलेगा। ये सीधे हाथ पे जो है ना वो है डीसी ऑफिस है, वहाँ से घूम के आता हूँ। ये डीसी ऑफिस है, मट्टी हो रही है, सामने ब्रिज आ गया है इसका सखी हसन का, ये है डीसी ऑफिस। यहाँ पर भी जो है ना काम का आगाज़ देखें आपके सामने, ये कि कितना काम तेज़ी से जारी है और ऊपर से फुटपाथ भी जो है ना बन रहे हैं, ये देखें मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो नाला बन गया, नाला बनने के बाद जो है ना ये सुराख जो नज़र आ रहे हैं ये वो डलेगा, इधर पाइप डलेंगे पानी के, और ये देखें आप, हाँ 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 हाँ, कितनी तेज़ गाड़ी गई है जो कि मट्टी उड़ाती हुई है, मेरी आँखें बंद हो रही हैं। ये देखें ये गेड़ा पड़ा हुआ है, ये डलेगा भी, पुरानी ईंटें लग रही हैं, नई ईंटें पता नहीं कहाँ गई हैं, सारी पुरानी ईंटें हैं, ये देखे कलर हुई है ना, पुरानी ईंटें हैं, बंद कर रहे हैं इसको। ये तो रोड बड़ा बन रहा है और वो सर्विस रोड बना रहे हैं, और आगे जो है ना ये खंभे भी नज़र आ रहे हैं आपको दरमियान के अंदर, ये दरमियान में खंभे नहीं होने चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कसम खुदा की दुनिया पाकिस्तान सुधर जाएगा अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए ना, कानून पर अमल दरामद हो जाए। ये देखें ये सेंटर में खंभे और ये गेड़े वेड़े पड़े हुए, रोड बनेगा कहाँ से बनेगा यार, ये मेन रोड के अंदर आ रहे खंभे। ये गेड़ा पड़ा हुआ है, अब ये देखें किसी ने गाड़ी चलानी होगी ना, अब मिसाल के तौर पे एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है यहाँ से एक गाड़ी जा रही है और यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, इसने अगर ओवरटेक किया यहाँ से तो सामने खंभा देगा इसके अंदर, बहुत बुरा देगा इसके अंदर, ओवरटेक करेगा ना जब उल्टे हाथ से, ओवरटेक वैसे सीधे हाथ की तरफ से किया जाता है लेकिन कई लोग उल्टे हाथ से भी कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान ही है, और जब उल्टे हाथ से ये करेंगे ओवरटेक तो सामने खंभा और फिर हो जाएगा वो लंबा। तो ये सूरत हाल है यहाँ की, सरीना मार्केट आ गई, ओए होए। तो इजाज़त चाहेंगे दोस्तों यहीं से, मट्टी हो रहा हूँ। ये ट्रैफिक देखें वन वे किया हुआ है क्योंकि इस रोड पे काम हो रहा है दूर तक एंड तक। चलें दोस्तों यहीं से चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।